ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में नमाज ईद के इस्तेमाल, सुन्नत इब्राहिमी के तहत जानवरों की कुर्बानी, रोही की जानिब से आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक। शहर औलिया मुल्तान में नमाज ईद का सजा मैदान, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दरबार बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क और कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ करवाई। गुफ्तगू में कहा कि ज़िमनी इलेक्शन को शफाफ बनाया जाए, इलेक्शन शफाफ ना हुए तो श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाली नौबत आए। हमारे माशी हालात 40 सालों की कोताही का नतीजा है। शहर औलिया मुल्तान में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तम, मुल्तान डीसी हाउस में नमाज ईद अदा कर दी गई। सलाहुद्दीन डोगर पार्क में रहनुमा पीटीआई मलिक आमिर डोगर ने नमाज ईद अदा की। उधर फयाज पार्क में डिप्टी कमिश्नर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर ने नमाज ईद अदा की।